आपको हम भेज देते हैं। भेजे नहीं तो सर जो है हिसाब ले रहा है, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? स्वागत है दोस्तों वन मिनट अपडेट्स में। बिहार के राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। आज यहां धरना स्थल पर राजनेता और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं। शिक्षकों के समर्थन में पहुंचे तेजस्वी ने कहा कि अगर नीतीश सरकार इन शिक्षकों को प्रदर्शन करने नहीं देगी तो वह खुद भी इन धरना स्थल पर शिक्षकों के साथ बैठ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि घटना स्थल पर तेजस्वी ने अधिकारी से बात की। जब अधिकारी ने उन्हें नहीं पहचाना तो तेजस्वी ने बोला कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब, जिसके बाद वहां शोर होने लगा और डीएम साहब की आवाज़ की टोन चेंज हो गई। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री अपने घर में क्या दुपक के बैठे, दो दो उप मुख्यमंत्री और सीएम 94,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनाई और करवाई हमारा मुख्य मुद्दा रहा है। वही आपको बता दें कि तेजस्वी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं 94,000 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दिया जा रहा है। वादानुसार आज प्रशासन ने गर्दगिनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं दी, जिसके चलते सभी अभ्यर्थी टिकट लेकर इको पार्क पहुंच गए हैं। शाम को वहां पहुंचा और मुख्य सचिव डीजीपी और डीएम से बात कर अनुमति मिलने के बाद रात्रि में पैदल मार्च कर उन्हें दोबारा धरना स्थल पर पहुंचा कर आया हूं। वहीं बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही है, जिसके वजह से शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों अभ्यर्थी ने राजधानी पटना में गर्दगिनी बार में धरना स्थल के तौर पर चुना है, लेकिन कल शाम को प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ दिया। स्थिति यह है कि पुलिस और प्रशासन शिक्षकों को प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। आज शिक्षकों ने अपने मामले में नेता विपक्ष तेजस्वी से दखल देने की अपील की, जिसके बाद तेजस्वी यादव यहां पहुंचे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? नहीं नहीं, विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए प्रदर्शन। आप क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चितकाल नहीं मिलेगा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है, कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में, सब लोग था खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं कुछ लोग इधर उधर हैं, इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ के, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए, हम लोग यही खड़े हैं इनको पास में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेज देते हैं, हम देख लेते हैं। नहीं नहीं, कब तक बताइए, हम भेज देते हैं। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? ना, हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं नहीं ठीक, नहीं नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सर, जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूले, जिसके वजह से हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।